हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बीन्स फ्राई की रेसिपी आप सब से शेयर कर रही हूँ। इसे फ्लैट बीन्स बोलते हैं और सीम भी बोला जाता है। तो इसके अंदर काफ़ी कीड़ा होता है, इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से साफ करना पड़ता है, देख के इसे हमें कट करना होता है। तो मैं यहाँ पर हाथों से तोड़ रही हूँ। इस तरीके से हम इसको सारी बीन्स को काट लेंगे। अब मैंने इसे दो तीन बार अच्छे पानी से धो लिया है। धोकर इसका सारा पानी छाड़कर हम एक दूसरे बर्तन में इसको रख लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके, इसमें और पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा नमक ऐड करके ढक के हम इसे सिम में कुक होने के लिए रख देंगे। ये बॉईल होगा और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो सारा ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें मैंने ऐड किया है जीरा, राई, चना दाल और उड़द दाल। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमने एक चॉप किया हुआ प्याज और करी पत्तों को ऐड करके इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छे से, प्याज को हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अब हम बीन्स को ऐड करेंगे जो मैंने बॉईल किया हुआ था। इस बीन्स को ऐड करके हम इसे फिर से फ्राई करेंगे। थोड़ी देर हम इसको ढक के फ्राई करेंगे। अब हम इसमें एक टमाटर चॉप किया हुआ इसको ऐड कर रहे हैं और फिर हम इसको फ्राई कर रहे हैं थोड़ी देर। यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और हल्दी पाउडर। यहाँ पर भी ढक के हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं एक मसाला ऐड कर रही हूँ जो कि मेरा होममेड मसाला है। मिर्च, नारियल और लहसुन से बना हुआ ये पाउडर है। घर में मैंने बना के रख देती हूँ, तो इसका रेसिपी मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। इसे कोई भी फ्राई सब्जी में हम इसको ऐड करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको ऐड करने से कोई दूसरा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा बीन्स फ्राई रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, ये रेसिपी पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।